तत् चंद्रमाः तत्एव शुक्रम् तत्ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः। मंत्रार्थ तत् वह एव ही अग्निः अग्रणी प्रगतिशील तत् वह आदित्यः अविनाशी समन्तात् प्रकाशमान दाता तत् वह वायुः प्रवाहमान रचनाशील तत् वह उ ही चंद्रमाः आनंद स्वरूप आनंदकारक है तत् वह एव ही शुक्रम शीघ्रकारी शुद्ध तत् वह ब्रह्म वृद्धि वृद्धिकर्ता ता वह आपः व्यापक स वह प्रजापति ही प्रजा का अधिपति है। भावार्थ संपूर्ण प्रकृति सभी देव शक्तियाँ अग्नि वायु आदित्य चंद्रमा शुक्र ब्रह्म आपह प्रजापति आदि के रूप में एक परमात्मा ही व्यक्त हुआ है। हम जो कुछ भी देखते जानते तथा अनुभव करते हैं वह सब परमात्मा ही है। धात्वादि निरुक्त तत् सर्वनाम एव अव्यय अग्नि ही अग गति करना अग्रणी होना आदित्याः आ उपसर्ग दा देना दीप दीप्त होना प्रकाश होना अदिति अ उपसर्ग दी क्षय होना नष्ट होना दो खंडन करना वायुः वय जाना उड़ना वा गति करना गंध होना प्रवाहित होना प्रवाहित करना वी जाना व्याप्त होना इच्छा करना भेजना खाना वे बुनना रचना करना सृजन करना ऊ अव्यय चंद्रमा चंद चमकना आनंद होना शुक्रम सुख जाना सुच शुद्ध होना ब्रह्म ब्रह वृद्धि होना शब्द करना ता सर्वनाम आपह आप व्याप्त होना जाना स सर्वनाम प्रजापति ही प्र उपसर्ग जन उत्पन्न करना पत ऐश्वर्य होना रक्षा करना। ओम खम्रम। आज से यजुर्वेद अध्याय 32 प्रारंभ हो रहा है। परमेश्वर एक है और वही प्रकृति के विभिन्न रूपों में व्यक्त हुआ है, इस बात को इस मंत्र में बताया जा रहा है। यजुर्वेद अध्याय 32 प्रथम मंत्र आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ॐ तथैव अग्नि तदादित्या तत्वायु तत्पुचन्द्रमा तत्एव शुक्रं तत् ब्रह्म तायापः स प्रजापतिः तत्व एव हि अग्निः अग्नि वह ही अग्नि है तत् आदित्या वह आदित्य है तत् वायु वह वायु है तत् उचंद्रमा और वही चंद्रमा भी है तत् एव शुक्रम वही शुक्र है तत् ब्रह्म वह ब्रह्म है तापा वह आपा है सा प्रजापति और वही प्रजापति है। ईश्वर एक है सर्वव्यापी है, उसको हम विभिन्न नामों से विभिन्न रूपों से जानते हैं, कह सकते हैं ईश्वर की स्तुति हम विभिन्न गुणों के आधार पर विभिन्न नामों से करते हैं, ईश्वर के विभिन्न गुणों का स्मरण करते हैं स्तुति करते हैं।
हम जिस रूप में भी प्रकृति में जहां जो कुछ भी देखते हैं सब उसी ईश्वर की सत्ता है, एक बात तो ये, और दूसरी बात सभी रूपों में वही ईश्वर ही है और उससे पृथक कोई अन्य नहीं है। हम विविध मंत्रों में अनेक नाम रूप से स्तुति करते हैं, इस मंत्र का ये देवता है, इस मंत्र का ये देवता है, तो ये जितने भी देवता हम गिनते हैं देखते हैं वे सब देवता उस एक परमेश्वर की ही शक्तियां हैं, उस एक परमेश्वर के ही विभिन्न गुण हैं। इस बात को इस मंत्र में प्रमुखता से हमको बताया जा रहा है, बस इसमें इतना ही समझना है। शब्द भी बहुत चर्चित है, यूं कहें कि पिछले मंत्रों में खूब व्याख्या भी हो चुकी है, बहुत इसकी चर्चा व्याख्या की गई है। तत एव अग्नि, वह ही अग्नि है, अग्नि अग्निगतो धातु से निष्पन्न है, अग्रणी होना, अग्रसर होना, गति करना, तो वही अग्नि है, अग्रणी है, प्रगतिशील है। तद आदित्य, वही आदित्य है, वही अक्षय अविनाशी है। आ उपसर्ग निषेध अर्थ में, नहीं के अर्थ में, दो खंडने धातु से दित शब्द बना, अदित और उस अदित से संबंधित आदित्य अक्षय अविनाशी, इसका मुख्य अर्थ ग्रहण करते हैं आदित्य का। अदित का अर्थ अक्षय अविनाशी, और उस अक्षय अविनाशी से जो सृष्टि उत्पन्न हुई है उसे भी आदित्य कह सकते हैं, उससे जो उत्पन्न है वह भी आदित्य है, ऐसा कह सकते हैं, आदित्य से उत्पन्न आदित्य। तत् वायु, वही वायु है, वायु प्रकृति में है, वायु से हमारा प्राण जीवन चलता है, उस रूप में भी देख सकते हैं। और वायु शब्द का अर्थ देखें तो उसे विभिन्न धातुओं से इसमें बनाया गया है, बताया गया है किन किन धातुओं से वायु शब्द निष्पन्न होता है, अभी पढ़ा गया, वह भी आपने सुना, पुस्तक में तो है ही, पढ़ सकते हैं। तो वायु में विविध धातुओं के विविध गुण समाहित हैं, वायु हमारे जीवन के लिए भौतिक रूप से आवश्यक है। ये देखना है कि जब हम आध्यात्मिक अर्थ करते हैं तो शाब्दिक अर्थ ही लेते हैं, और उसे आदि भौतिक आधिलौकिक अर्थ में हम देखते हैं वायु का अर्थ ये वायु भी है, जिससे हम सांस प्रश्वास चलता है, जिससे हमारा जीवन चलता है। तो बताया यही जा रहा है, तद वायु, वह वायु है, तदु चंद्रमा, वही चंद्रमा है, चंद्रमा का अर्थ हुआ तो आनंददायक, जिससे हमें आनंद प्राप्त होता है वो चंद्रमा है, और प्रकृति में एक आकाशीय पिंड भी चंद्रमा है, उससे आनंद प्राप्त होता है तो हमने उसका नाम भी चंद्रमा रख दिया। तो वह चंद्रमा है, इसको इस रूप में भी देखें कि प्रकृति में जो कुछ भी है अग्नि वायु चंद्रमा आदि आदि वह सब वही परमेश्वर ही है और कुछ नहीं है, और इन शब्दों से जो गुण व्यक्त हो रहे हैं कह सकते हैं ये सभी गुण उसी परमेश्वर के हैं, इन शब्दों से इन गुणों से हम उसी एक परमेश्वर की स्तुति करते हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं। तदेव शुक्रम, वही शुक्र है, शुक्र क्या है, शुच शुद्ध होना, सुख धातु का अर्थ जाना भी है, जो गतिशीलता है, पवित्रता है, शुचिता है, वो शुक्र है, वही शुक्र है, वही ब्रह्म है। हम ईश्वर को ब्रह्म के नाम से भी पुकारते हैं, क्योंकि ब्रह्म अर्थात बड़ा, ब्रह धातु का अर्थ है वृद्धि होना, जो सबसे बड़ा है उस परमेश्वर को हम ब्रह्म भी कहते हैं, सृष्टि में सबसे बड़ा तो वही है क्योंकि वह तो सृष्टि से भी बड़ा है, तो वह ब्रह्म है। तापा, वह आपा है, आप शब्द को हम लोगों ने चर्चा की है, भी उपसर्ग लगा दीजिए तो व्याप हो जाएगा, व्यापने लगेगा व्याप्त हो जाएगा, प्रा उपसर्ग लगा दीजिए तो प्राप्त हो जाएगा, तो जो सर्वत्र व्याप्त है सर्वत्र प्राप्त है उस परमेश्वर को आपा भी कहा गया है। लौकिक अर्थों में कहीं कहीं जल भी कहा जाता है, क्योंकि जल भी व्याप्त होता है, फैलता है, व्याप्त होने में कर लिया जाता है, जो जहां भी रहो वो फैल जाता है, विस्तृत हो जाता है, व्याप्त हो जाता है, इस तरह कहीं एक छोटे से स्थान में रख दो तो नहीं रखा रहेगा,
तो इस अर्थ में जल को या कहें वायु को भी कह सकते हैं, आपा से भी संबोधित किया गया है। तो आपा का मुख्य अर्थ तो व्यापक ही है। सा प्रजापति, वही प्रजापति है, प्रजा का अधिपति है। प्रजा का अर्थ प्रा उपसर्ग जन उत्पन्न होना, जो कुछ प्रमुखता से उत्पन्न है संपूर्ण सृष्टि प्रजा है उसके लिए, और वही संपूर्ण प्रजा अर्थात संपूर्ण सृष्टि का अधिपति परमेश्वर है। ये इस मंत्र का शब्दार्थ भावार्थ हम लोगों ने समझा। मुख्य बात यही है, इसका संदेश समझना है कि संपूर्ण सृष्टि वह परमेश्वर ही है, सब में वही परमेश्वर व्याप्त है, और विविध गुणों से, विभिन्न नामों से, प्रकृति के विभिन्न रूपों से, जिससे भी हमें हर्ष आनंद प्राप्त हो रहा है, उन सब में हम उसी परमेश्वर को सर्वव्यापक रूप से देखते हैं। और सभी रूपों में अग्नि, वायु, सूर्य आदि विविध रूपों में हम उसी परमेश्वर के ही स्तुति करते हैं। ये हमें मानना जानना चाहिए कि वह परमेश्वर एक है, वही सब में व्याप्त है, वह सर्वव्यापी है। यही इस मंत्र का मुख्य संदेश है। तो इस मंत्र की बात तो यहाँ पर पूर्ण होती है। तो चाहे तो अभी समय तो पर्याप्त है, तो क्या करें, अगला मंत्र भी ले लेते हैं, क्योंकि समय पर्याप्त है और मंत्र बहुत ही सरल हैं। जी स्वामी जी, अगले मंत्र का भी ले लिया जी। जी, यजुर्वेद अध्याय 31 मंत्र 2, ये भी हम आज ले लेते हैं। ओम सर्वे निमेषाय जिरे विद्युता पुरुषातधि नैनम ऊर्ध्वम न तिर्यंचम न मध्ये परिजाग्रभत। ये द्वितीय मंत्र भी ईश्वर की सर्वव्यापकता को ही वर्णित कर रहा है, वही लक्ष्य इसका भी है। कहते हैं वह जो सर्वव्यापी है, हमने पिछले मंत्र में देखा कि प्रकृति के विविध रूपों में सर्वत्र वही व्याप्त है, तो कह रहे हैं जो सर्वव्यापक है उसे हम कैसे पकड़ें। हमारा अस्तित्व तो उसकी तुलना में अति सूक्ष्म शून्य जैसा है, और वह अनादि अनंत सर्वव्यापी है, तो कैसे हम उसे पकड़ेंगे, कैसे ग्रहण करेंगे, कैसे पा सकेंगे। कहते हैं सर्वे निमेषा जज्जिरे, सभी निमेष उत्पन्न हुए हैं, सर्वे सभी निमेष जज्जिरे उत्पन्न हुए विद्युता, विद्युत से पुरुषात पुरुष से अधि। देखिए अधि उपसर्ग के रूप में संस्कृत में होता है, यहाँ इस तरह से आया है, जो कहीं जुड़ नहीं सकता, कह सकते हैं काव्य के रूप में द्वितीय चरण के अंत में आया अधि। तो कह रहे हैं सभी निमेष उसी से उत्पन्न हुए। तो निमेष में नि उपसर्ग है, मिश्र धातु का अर्थ है स्पर्धा करना, सींचना, प्रोक्षण करना, पलक झपकाने के अर्थ में भी निमेष लेते हैं। ये भी कह सकते हैं निमेष समय की, कालखंड की छोटी सी इकाई है, निमेष कहते हैं पलक झपकाने में लगने वाला समय लौकिक या भौतिक अर्थ में। कहते हैं जितने भी ये समय भी उसी से उत्पन्न हुआ है, छोटा से छोटा कालखंड निमेष भी उसी से उत्पन्न हुआ है। और कह सकते हैं निमेष नि उपसर्ग निश्चित निरंतर, मिस धातु का अर्थ जब अभिसिंचन करना, प्रोक्षण करना है, तो जो कुछ भी अभिसिंचन प्रोक्षण हमको प्राप्त हो रहा है उसकी कृपा ही है, उसकी कृपा हम पर बरस रही है, उसकी दिव्य चेतना ही हम पर बरस रही है, वर्षा के रूप में, प्रकाश के रूप में, वायु के रूप में, चेतना के रूप में। सर्वे निमेषा जज्जिरे, ये सारा अभिसिंचन उसी से उत्पन्न हो रहा है, किससे, विद्युता पुरुषात अधि, उस अधि पुरुष विद्युत से। विद्युत को देखें, बे उपसर्ग
और दित प्रकाश होना उस विशेष प्रकाशमान से, और विद्युत विदकार्थ जानना, युत अर्थात जानकारी से युक्त विद्वान, तो उस अधिपुरुष पुरुष सूक्त तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ही है, अग्रणी अग्रसर उस सबसे अग्रणी परमेश्वर को हमने पुरुष नाम से जाना है, तो उस अधिपुरुष विद्युत से विशेष विद्वान से विशेष प्रकाशमान से ये सभी निमेश उत्पन्न हुए हैं, सभी अभिसिंचन उत्पन्न हुए हैं। न एनम ऊर्ध्वम न त्रियंचम, न एनम ना नहीं एनम इसको ऊर्ध्वम ऊपर से, न त्रियंचम न तिरछे से, न मध्य न मध्य में परिजग्रभत परिग्रहण किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, पाया जा सकता है। कह रहे हैं कि निमेश जैसा छोटा से छोटा कालखंड भी उसी से उत्पन्न हुआ है, इस विराट सृष्टि में जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है सब उसी से उत्पन्न है, विराट सृष्टि उसी से उत्पन्न है। और कह सकते हैं जो कुछ हमें प्राप्त है दिव्य चेतना प्रकाश शब्द वायु जल आदि, ये संपूर्ण उसी का अभिसिंचन है, उसी की चेतना के अभिसिंचन से हम चेतन हैं, तो ये सब कुछ उससे उत्पन्न हुआ है। और जब सब कुछ उससे उत्पन्न है, वो सर्वव्यापी है, तो कह रहे हैं कि इसको कोई अगर पकड़ना समझना चाहे तो ऊपर से तिरछे से मध्य से कहीं से उसे पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वह अनादि है, अनंत है, सर्वव्यापी है, और हमारा अस्तित्व हमारी सामर्थ्य उसकी तुलना में अति सूक्ष्म लगभग शून्य जैसी है, इसलिए हम लोग उसे इस प्रकार से पकड़ नहीं सकते, ग्रहण नहीं कर सकते, पा नहीं सकते। तो परमेश्वर के सर्वव्यापक होने का, प्रकृति के विभिन्न रूपों में उसके ही व्यक्त होने का, और सब कुछ उससे ही अभिसिंचन प्राप्त होने का, और उसके उस अनंत स्वरूप का जिसे हम अपने सामर्थ्य से पकड़ नहीं सकते हैं, इसका वर्णन आज हम लोगों ने इन मंत्रों में समझा। तो अब आज की बात को हम यहाँ विराम देते हैं, जिसका जो भी प्रश्न हो, जो विचार हो, आप कह सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। हाँ भैया, आप लोग बोलिए, हमारी बात तो पूर्ण हुई। स्वामी जी, परमात्मा को प्राप्त करने की विधि में जो पतंजलि योग दर्शन है, उसकी सबसे बड़ी भूमिका क्या माना जाए? हमारे लिए वेद ही सब कुछ है, किसी अन्य की कोई आवश्यकता नहीं, पहले भी इस पर बात हुई, क्योंकि अन्य सभी ग्रंथ बाद में आए हैं, तो वेद तो सृष्टि के आदि में आया, और ये सब ग्रंथ उसके लाखों करोड़ों वर्षों के बाद आए, तो इतने समय तक कैसे लोगों ने साधना उपासना की, तो वेद ही मूल है, किसी अन्य की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी कुछ अच्छी बातें सभी ग्रंथों में होंगी, उनको पढ़ें, स्वाध्याय करें, उसका लाभ उठाएं, जो भी वो अच्छी बात है, परंतु मूल तो हमारा वेद है और वो पर्याप्त है, वेद अपूर्ण नहीं है, वेद अपने आप में पूर्ण है, हमें यह मानना चाहिए। जी धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी। इसमें जगीरे, तो जगीरे को क्या इसको जन धातु से लिया जाए, जिसका अर्थ किया जा रहा उत्पन्न होना? जी जी, ये जन धातु का ही एक रूप है, संस्कृत में क्रियाओं के रूप बहुत ही जटिल हैं, विभिन्न प्रकार से बनते हैं, और वास्तव में इस पर बहुत हमें परिश्रम करना पड़ा इस जटिलता को समझने के लिए।
इतना तो समझ गए हैं कि जो भी आता है उसको समझ जाते हैं कि धातु से कहां से कैसे बना रहा है। जैसे चक्रे एक शब्द आएगा, चक्रे, चक्रे का अर्थ होता है किया, क्रे धातु से बनेगा चक्रे, चकार भी बनता है क्रे धातु से चकार, चकार का अर्थ किया, चक्रे अर्थात किया, दोनों का समान अर्थ है चकार और चक्रे। तो जैसे चक्रे बना है क्रे धातु से, वैसे जल धातु से जगीरे बना। स्वामी जी फिर इसमें जो रे शब्द बढ़ रहा है उसको फिर कैसे लेंगे अपन? जगीरे, हाँ रे 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 जो आगे चलता है। नहीं नहीं ये तो शब्दों के रूप है ना, ये धातुओं के रूप बन रहे हैं जो समझिए, जिसे आप उसका विभक्त प्रत्यय मानिए। जैसे हमने कहा ना चक्रे, हाँ, तो अब चक्रे में भी वो ऐसे ही आया पपाट, अपट धातु से पपाट भी बन गया। ये तो वाकई मतलब बड़ा गहन मामला हो गया। इना पी धातु से पिपासा बना, पिपासित, हाँ, हाँ, इसको हम इस समय प्यास कहते हैं। जिज्ञासा ये क्या है, बहुत प्रचलित शब्द है ना जिज्ञासा, जानने, ये क्या है, ये क्या धातु है जानना, जिज्ञासा जानने की इच्छा, जिज्ञास जानने की इच्छा करने वाला। तो वैसा ही जो जो आपने अभी ठीक पकड़ा मेरा, जो जहाँ पर संसद जुड़ रहा था, तो जैसे अपन जिज्ञासा के अंदर जिज्ञा ले रहे थे, जगिरे के अंदर जग को जो है उस तरह से नहीं जा सकते जी। तो मान लीजिए कि ये अति प्राचीन काल से संस्कृत में इस तरह के प्रयोग जो होते आए हैं, इसमें हम लोग कर कुछ नहीं सकते हैं, इसे जो कर सीख सकते हैं, है ना? ठीक है, बनता है तो बनता है, तो हम कहें को क्या पढ़ता नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते क्योंकि वो नहीं होता, परंपरा से जो चला आ रहा है वो चला आ रहा है, क्या कर सकते हैं हम, नई व्याकरण तो नहीं करते ना, हम व्याकरण को सीख सकते हैं, उसमें परिवर्तन तो नहीं कर सकते ना। मतलब जो भी है पहले हमारा वेद है, वेद के बाद है व्याकरण, जो भी है सब बाद में निकले, लेकिन मूल रूप से वेद ही है जी। बिल्कुल, ये तो हम इस कक्षा में भी कहते आए हैं कि वैदिक भाषा और लौकिक संस्कृत भाषा की व्याकरण में बहुत अंतर है। यदि कोई बिल्कुल पाणिनि की व्याकरण पढ़ करके बड़ा प्रकांड विद्वान व्याकरणाचार्य आए और उसका वेद से परिचय ना हो, तो वेद का प्रथम सूत्र पढ़ करके ही वो अपने बाल लोचने लगेगा, उसके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पूरा जीवन खपाकर हमने पढ़ने व्याकरण में इतना परिश्रम किया, इतने बड़े आचार्य विद्वान हो गए और वेद पढ़ रहे हैं तो जाने कहा जा रहा है। तो वेद तो इनकी व्याकरण के अनुसार नहीं चलेगा, वो चाहे तो अपने व्याकरण को वेद के अनुसार बना ले। ठीक ठीक, ये तो स्पष्ट है, वेद तो नहीं चल सकता। आप अपने व्याकरण को वेद के दृष्टि से बना ले वो तो ठीक है, लेकिन आप सोचे वेद को व्याकरण की तरह चलाया जाए तो वो तो नहीं चलेगा। धन्यवाद स्वामी जी, उतना ही वेद के अनुकूल होगी। हाँ ठीक ठीक, सहमत, धन्यवाद धन्यवाद। पाणिनि प्राचीन व्याकरणाचार्य नहीं है, भ्रम ये भी तोड़ लीजिए हमारे साथ जोड़ करके। लोगों को बड़ा भ्रम है कि पाणिनि ही व्याकरण के पितामह है, ऐसा नहीं है। नहीं, हम के पहले जाने को है, पाणिनि बहुत संस्कृत के हैं, वैदिक संस्कृत के व्याकरणाचार्य है ही नहीं, जो पाणिनि हुए हैं उन्होंने समझी है, उनके समय वेद की भाषा चलती थी। धन्यवाद स्वामी जी। पता नहीं कितने लोगों ने ध्यान दिया है, आपको जानना चाहिए पाणिनि से पहले के व्याकरणाचार काशप्रश्न का थोड़ा सा सूत्र पाठ
और धातुपाठ पूरा मिल गया है और युधिष्ठिर मीमांसक जी ने उसका संपादन करके प्रकाशित करा दिया था। मेरे पास बहुत पुरानी प्रति है, उसके पन्ने अब बिखरने लगे हैं, उसको पन्ना पलटने में डर लगता। तो हालांकि वो अभी भी छप रही होगी, नहीं मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब ठीक है, मैंने बचपन में खरीदी थी, उस समय वो कब कैसे हुई होगी, तब से अब तक उसकी स्थिति बहुत ही जर्जर हो चुकी है। तो कभी कभी लोगों के चर्चा में कह सकते हैं थोड़ा सा एक बौद्धिक सकारात्मक परिहास मनोरंजन भी होता। अब उसमें अल्ल धातु है, उससे अल्लाह शब्द की निष्पत्ति होगी, उसका अर्थ होगा प्रभु ईश्वर, अल्लाह शब्द का अर्थ है ईश्वर। अब कुछ लोग इसी से परेशान है कि भाई ये कौन सी बात हो गई, मैं दिखाता हूं, अल्ल धातु है, विसर्ग लगेगा अल्लाह, उसका अर्थ हुआ ईश्वर, अगर आकारांत दीर्घ हो जाएगा अल्लाह, उसका अर्थ हो जाता है देवी माँ, उसमें उपलब्ध हुआ है। ऐसे बहुत से हैं, पाणिन में धातु में बहुत कम है, केवल 1970 धातु में है पाणिन में, और काष्ठ में लगभग 100 धातु में अधिक है। वाला धातु पाठ पाणिन की अपेक्षा बहुत समृद्ध है। अब कोई कैसा पाणिन धातु पाठ में ये धातु नहीं है, अरे नहीं होगी, काष्ठ का धातु पाठ मिल गया उसमें और अधिक है, उससे पहले का मिल जाएगा तो हो सकता है और अच्छा मिले, क्योंकि प्राचीन लोग हैं, कास्टस के समय तक वैदिक भाषा बहुत कुछ प्रचलन में थी, परंतु पाणिन के समय में वैदिक भाषा का व्यवहार लगभग लुप्त हो गया था, बिल्कुल लोग होता था। तो ये पाणिन की व्याकरण बहुत उपयोगी नहीं है, लेकिन हमें दिशा दे सकती है जब तक दूसरा नहीं होता, तो ये तो ठीक है, परंतु अपना विवेक लगाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग शिक्षार्थी हैं उनके लिए तो पाणिनि उपयोगी हो सकता है, उससे जब आगे चलना है तब फिर हमको यास्क वगैरह या दूसरे जो आपने बताया उनके बारे में विचार करना पड़ेगा। जी यास्क व्याकरणाचार्य नहीं है, वो निरुक्ताचार्य, यास्क भी निरुक्त के अंतिम आचार्य हैं। यास्क ने अपने निरुक्त में अपने से पहले एक निरुक्त के आचार्यों का उल्लेख किया है। अच्छा, परंपरा के अनुसार यास्क ने लिखा है। तो हमारे साथ लोगों के यही भ्रम टूटते हैं, तो लोग कुछ लोग तो बड़े अटपटे हो जाते हैं, मतलब कह सकते हैं तिलमिला जाते हैं, अरे भाई स्वामी जी तो क्या बताना चाह रहे हैं, भैया आप पूरे प्रमाण के साथ बता रहे हैं। आप व्यास का निरुक्त पढ़िए, उन्होंने अपने पहले के जाने कितने निरुक्ताचार्यों का उल्लेख किया है। आप पाणिन को पढ़िए तो पाणिन खुद बता रहे हैं कि उनके पहले कितने व्याकरण आचार्य हो गए हैं। अपना अंतर भी बताते हैं कि भाई वो ऐसा मानते हैं, हम ऐसा, हमको इस समय दिख रहा है भाई पहले के व्याकरणाचार्यों ने अपने समय के अनुसार लिखा, अब पाणिनि के भाषा में परिवर्तन हो गया, वो तो पाणिनि अपने समय की भाषा के अनुसार लिख रहे हैं। अब जब महाभाष्य होता है तो उस समय तक परिवर्तन आ चुका था, तो महाभाष्य में कुछ और परिवर्तन आएंगे, भरूच कात्यायन ने कुछ और परिवर्तन करके बताया, उन्होंने कहा पाणिनि के नियम ये अब ठीक नहीं लग रहे हैं। महावास कहता है नहीं ये ठीक था, पढ़न में परिवर्तन आया था, मगर वो नियम के हिसाब से वो ठीक है, यहाँ पढ़न की बात मानी जानी चाहिए, यहाँ नहीं मानी जानी चाहिए। तो ये विचार तो होता आया है, मुखबात ये है कि हमको जड़ नहीं होना है कि बस किसी की लकीर पकड़कर बैठ गए वही लकीर पीट रहे हैं, व्यापक दृष्टिकोण रखना पड़ेगा तब वेद समझ में आएगा, पढ़ने को रखने से वेद समझ में ना आएगा। हम स्पष्ट कह रहे हैं उनके बिना भी नहीं हो पाएगा। कोई कहे तो क्या आपने बिना कोई व्याकरण पढ़े वेद भाष कर डाला, तो नहीं भाई ये संभव नहीं था। लगता होगा हमें क्या क्या पढ़ना पड़ा है, कितना सब कुछ करना पड़ा है, तो देखने के बाद हम आपको बता पा रहे हैं कि इनकी उपयोगिता है, इनके बिना तो नहीं हो पाएगा, परंतु इनकी सिखाए भी है। के अनुसार देवी भी अशुद्ध है, वो देवी भी नहीं लिख सकते, वेद में आपको देवी भी मिलेगा, ऋषि भी मिलेगा, पाणिनि के अनुसार तो वो ठीक नहीं है। अगर आप संस्कृत में ऋषि भी लिखेंगे देवी भी लिखेंगे तो आपका अध्यापक उसे काट देगा, कहेगा ये अशुद्ध है। हाँ हाँ है, तो क्या वेद से बड़ा भी कोई हो गया, पाणिनि हो या कोई हो वेद से ऊपर तो नहीं हो सकते। तो
है कि पर्ण के अनुसार वेद को परिवर्तित कर दिया जाए, देवे भी न लिखा जाए, तो ये तो नहीं हो सकता। वेद में है देवे भी, इसमें तो पढ़ा जाएगा लिखा जाएगा, और वो सही भी है। ये मैं बता रहा हूँ सही भी है। कैसे? आप गुरु भी लिखते हैं, वो पर्ण के दृष्टि ठीक है, तो देवे भी क्यों नहीं लिख सकते? भी जुड़ता है, ये पर्ण मानते हैं, जगत भी, गुरु भी, हरि भी, ऋषि भी, आप लिख रहे हो, नहीं होगा राम भी क्यों नहीं होगा? बालक का रूप दिलाएंगे तो बालक भी क्यों नहीं होगा? होगा बालके भी होगा। हम कह रहे देवी भी होगा, बालके भी होगा, नरे भी होगा, चने भी होगा, बिल्कुल होगा। वेद में होता है, पढ़न के अनुसार तय नहीं होता है। अब कोई कहे अरे भाई स्वामी शरण जी क्या पढ़न से बड़े हो गए? नहीं, हम तो पढ़न से बड़े नहीं हो गए, लेकिन पढ़न वेद से बड़े नहीं हो गए, इतना कहना चाहते हैं। असल में स्वामी जी, ये जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, वास्तव में उन्होंने ठीक से पाणिनी को भी तो नहीं पढ़ा हुआ है, इसलिए वो खुद ही भटकते रहते हैं। अगर वो लोग जो है पाणिनी के व्याकरण को पढ़ेंगे तो जैसा आपने भी बताया बातचीत में, तो वास्तव में ये तो खुद ही बात है, उसमें खुद ही लिखा हुआ पाणिनी के व्याकरण के अंदर कि उनके पहले कौन कौन से पूर्व आचार्य व्याकरणाचार्य हुए, जिनके समय में क्या क्या चला। धन्यवाद। ये हम चलो इस विषय आया है थोड़ा सा बता दें, समापन करेंगे, समय हो गया है। इंद्रस चंद्रा काश कृष्णा आपिसल पाणिनी तथा, क्रम ये है, सबसे पहले व्याकरणाचार्य इंद्र हुए, फिर चंद्र हुए, फिर काश कृष्ण हुए, फिर आपिसल हुए, अंत में पाणिनी आए। पाणिनी के समय लौकिक संस्कृत चलती थी, वैदिक संस्कृत समाप्त हो चुकी थी। काशकृष्ण के समय में वैदिक संस्कृत विद्वानों के बीच बोलचाल में थी, लेकिन लोक व्यवहार में बहुत कुछ परिवर्तन होने लगा था। अब यदि इंद्र और चंद्र के व्याकरण पूरे मिल जाए, इसका उल्लेख तो मिलता है कुछ ग्रंथों में, तो हो सकता है वैदिक व्याकरण पूरी तरह हमको प्राप्त हो जाए, सही से समझ में आ जाए, तो ये हमको समझना चाहिए। हाँ, एक बात और जो हम बताना चाह रहे थे आपको, जो ये भ्रम है कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, पाणिनि ने उड़ादि सूत्र लिखे, पाणिनि ने ये पुस्तक लिखी, तो मैं आपको कह रहा हूं, जो हमारे दो तीन विरोधी हैं, जो हमारी बातों को अपने तरीके से प्रस्तुत करते रहते हैं, उनको भी हमारा मिल जाए, हमारी शुभकामनाएं, वो हमारे क्लिप का प्रचार करें। मैं कह रहा हूं पाणिनि ने एक भी पुस्तक नहीं लिखी व्याकरण की। पुनः कह दूं, पाणिनि ने व्याकरण की एक भी पुस्तक नहीं लिखी। पाणिनि के नाम से जो पंचपाठी मिलती है, पंचपाठी का अर्थ है पांच पुस्तकों को पंचपाठी कहते हैं, पंचपाठी व्याकरण होता है, पांच पुस्तकों को मिलाकर व्याकरण बनती है, वो पंचपाठी व्याकरण कहलाती है। हमारी व्याकरण की पुस्तक में भी इसका वर्णन ठीक से आपको मिल जाएगा। ये पंचपाठी व्याकरण परंपरा से चली आ रही थी, कह लीजिए इसको पहले इंद्र ने लिखा होगा, उसको चंद्र ने संपादित किया, अपने समय के हिसाब से कुछ परिमार्जित किया, संशोधित किया, उसके पश्चात काशकृष्ण ने किया, आपसल ने किया, अंत में पाणिनि ने भी उसमें कह सकते हैं केवल संशोधन संपादन परिमार्जन किया है। पुस्तक पहले से उपलब्ध थी, वो पुस्तक नए सिरे से उन्होंने लिखी बिल्कुल नहीं है। ये मैं दृढ़ता से कह रहा हूं, जानने वाले जानते हैं, जो अधकतरे लोग हैं वो चौकेंगे, उन्हें चौकने दीजिए। पाणिनि ने पहले से उपलब्ध पुस्तक का केवल परिमार्जन संशोधन संपादन किया है, अपनी ओर से कुछ नहीं लिखा है। तो ये परंपरा है पंचपाठी व्याकरण की, तो इस बात को हमें जानना समझना चाहिए, उसकी सीमाओं को। ये थोड़ा चौंकाने वाली जानकारियां हो सकती है जो हमसे आपको मिलेगी,
ये परंपरागत आचार्य बहुत कठिन है बता पाए, कुछ ही गुरुकुलों के प्राचार्य बता पाएंगे, अभी अधिकचरे लोग तो ना समझ पाएंगे, वो केवल यही कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जुड़े हैं तो कुछ नई बातें स्वीकार करने के लिए भी मन में साहस जुटाएं। हाँ आचार्य जी, ये मैंने हमारे होशंगाबाद गुरुकुल के आचार्य जी ने जब कुछ चर्चा शुरू की थी व्याकरण की, तो उसमें उन्होंने इस चीज का उद्घाटन किया था, इससे मेरी जानकारी में आई है ये बात। उससे पहले तक मैं पाणिनि को ही मानता रहा था जैसे दूसरे मानते हैं, लेकिन मैं वहां पर असंतुष्ट था। यद्यपि मैं व्याकरण तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन फिर भी जितना भी मैंने अपने शिक्षण काल में 8वीं 10वीं क्लास तक जो भी संस्कृत का अध्ययन किया था कक्षाओं के अंदर, उसमें जो मिला था उसने के आधार पर ही मैं जब आगे चलता रहा। ये आपने उस जानकारी को बिल्कुल ताजा भी कर दिया और उसमें आगे जोड़ भी दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो समय भी पर्याप्त हो गया है, आज की इस उपयोगी चर्चा को यहाँ विराम दिया जाए। कल सायंकाल 7:30 बजे हम लोग इस वेद कक्षा में पुनः मिलते हैं। यद्यपि शनिवार है तो ये भी मान लें कि कल रविवार को प्रातः